दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 20x50 हाउस प्लान के। हमारे एक पेड यूजर हैं, उन्होंने हमें कांटेक्ट किया और उन्होंने बोला कि सर हमें 20x50 का विद कार पार्किंग हाउस दे जाना चाहिए। दोस्तों आपको पता है कि 20x50 एक नॉर्मल से एरिया है और बहुत कॉमन से एरिया है लोगों के प्लॉट के, शायद अगर आप ज़्यादातर बात करें तो 20/50 ही होते हैं अप्रॉक्स में। तो उनकी जो रिक्वायरमेंट थी वो आपकी भी रिक्वायरमेंट हो सकती है, आपका भी प्लॉट 20x50 का हो सकता है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि आपका भी फ्री में काम बन सकता है। उन्होंने तो पैसे खर्च किए लेकिन अगर आपकी भी यही सेम रिक्वायरमेंट है, आपको भी यही डिज़ाइन चाहिए, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट इस वीडियो को देख करके आसानी से उस मॉडल को सिलेक्ट करके बनवा सकते हैं। लेकिन जो हमारे यूज़र हैं जिन्होंने हमें कॉन्टेक्ट किया, उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हुए मैंने इस मॉडल को डिज़ाइन किया है, जिसमें कि कार पार्किंग का साथ साथ छोटा सा गार्डन या प्लांटेशन एरिया भी बोल सकते हैं, प्लांट एरिया वो भी मैंने दिया है, और उनको गेस्ट रूम, बेडरूम, लेट बाथ, किचन और आपका आंगन जिसे बोलते हैं या आप ओपन एरिया बोल सकते हैं, वो भी मैंने यहाँ पर दिया है, क्योंकि इनकी जो रिक्वायरमेंट थी उसको फुल करते हुए मैंने इस मॉडल को डिज़ाइन किया है। तो इसी को आज हम पूरा दिखाएंगे आपके सामने, आपको बताएंगे और इसमें कॉस्ट कितना लगने वाला है, जिन्होंने हमें कॉन्टेक्ट किया कॉस्ट कितना लगेगा वो भी बताएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहते हैं कि अगर आपने स्मॉल हाउस प्लान को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा दें, क्योंकि दोस्तों स्मॉल हाउस प्लान एक ऐसा चैनल है यूट्यूब पर जो आपको बहुत ही लो प्राइस में घर बनाने का एक जरिया देता है, या लोवेस्ट जो भी आपका प्राइस हो उसमें मैं डिज़ाइन करता हूँ। बहुत हाई फाई घर डिज़ाइन नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है जो भी व्यक्ति घर बनवाना चाहता है वो चाहता है कम से कम पूंजी में उसका घर बन जाए। तो चलो आज का जो प्लान है 20x50 को उसे हम डिस्कस कर लेते हैं। आप दोस्तों देख सकते हैं मैं आपको स्क्रीन पर ले आया हूं और यहां पर पूरा मॉडल जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहां पर डिजाइन किया गया है, इसे मैं आपके सामने डिस्कस करता हूं। तो ये देखिए मेन डोर है और दोनों पिलर है जिस पर मेन डोर आपका टिका हुआ है। इसके बाद छोटा सा बाउंड्री वॉल, इसी के पीछे जस्ट प्लांटेशन एरिया मैंने दिया है। तो ये स्लोप है जिससे कार पार्किंग भी आप कर पाएंगे। ऊपर ग्रिल का डिजाइन देख सकते हैं, ऊपर मैंने गुमटी भी डिजाइन की है जीना, क्योंकि जो स्टेयर्स है उसको ढकने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले इसके ग्राउंड फ्लोर को हम डिस्कस करेंगे, उससे पहले मैं इसे जूम करके दिखा देता हूँ, मैक्सिमम जूम करके दिखाता हूँ जिससे आपको चीज़ें समझ में आ जाए, इसका रियलिस्टिक व्यू समझ में आ जाए। और मैं दोस्तों थ्री साइड क्लोज्ड मकान है, सिर्फ फ्रंट से ही ओपन है, बाद बाकी थ्री साइड क्लोज्ड आप देख पा रहे होंगे। गेट जो है बहुत ही बेहतरीन सा गेट डिजाइन मैंने यहाँ पर दिया है। तो ये पूरा मॉडल फ्रंट का हो गया। बात करते हैं इसके ग्राउंड फ्लोर की। तो ये दोस्तों इसका ग्राउंड फ्लोर है, आप देख पा रहे होंगे प्रॉपर तरीके से यहाँ पर मैंने डिज़ाइन किए हैं चीज़ें। बीच में स्टेयर्स है जिससे आप चल पाएंगे सीढ़ियाँ, और साइड में स्लोप है जिससे आप अपनी कार को पार्क कर पाएंगे। तो इसका अगर हम टॉप व्यू आपको दिखाना चाहें तो आप देख सकते हैं टॉप व्यू आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ये जो बॉर्डर आपका दिख रहा है इसे आप इग्नोर करिएगा, क्योंकि ये फर्स्ट फ्लोर के लिए डिज़ाइन बना हुआ है। तो टॉप फ्लोर अगर आप देखेंगे तो पीछे आपको दो बेडरूम मिलते हैं, एक बड़ा सा आंगन इन्हें चाहिए तो उन्हीं के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बड़ा सा आंगन दिया है। ये आपका किचन एरिया है, ये लेट एंड बाथ के एरिया है, और इसके बाद आगे कार पार्किंग स्टेयर्स है, साथ साथ ये आपका गेस्ट रूम है। दोस्तों आप बोल रहे होंगे कि किचन के जस्ट बगल में लेट बाथ सही नहीं होता, लेकिन वो उनकी रिक्वायरमेंट थी, उन्होंने ऐसा चाहिए तो इस वजह से मैंने ऐसा क्रिएट करके उन्हें दिया है। यहाँ पर देखिएगा आप अगर फ्रंट से हम डिस्कस करें तो फ्रंट से आप जैसे एंट्री करते हैं तो सबसे पहले आपको कार पार्किंग का एरिया मिलता है, उसी में स्टेयर्स मिलती हैं। स्टेयर्स आप इधर से चलना स्टार्ट करेंगे टर्न होकर बाहर की तरफ आ जाएंगे, और इसीलिए यहाँ पर ऊंचाई हो जाएगी, कार पार्किंग भी आसानी से कर पाएंगे। साइड में बात करें, साइड में प्लांटेशन एरिया आपका दिया हुआ है, और फ्रंट में मैंने एक विंडो दिया प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए। वही बात करें इस तरफ की तो यहाँ भी मैंने एक विंडो प्रोवाइड किया है, अगर आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप इसे हटा सकते हैं, और उसका ये डोर है और आपका ये गेस्ट रूम पूरा तरीके से रेडी हो जाए। मेन एंट्री आपकी यहां से होती है, यहां से आप जैसे एंट्री करेंगे तो आप आंगन में आ जाएंगे, और आंगन से ही आपकी सभी जगह एंट्री होने वाली है। दोनों बेडरूम को अगर आपको एक्सेस करना है तो आपको आंगन से होते हुए अंदर जाना होगा। उसी में अगर बात करें लेफ्ट हैंड कॉर्नर की, तो यहां पर एक बेडरूम है जिसमें विंडो दिया है वेंटिलेशन के लिए, और राइट हैंड साइड में आपको देखिए ये वाला किचन एरिया दिया है जो कि आपका कार पार्किंग से सटा हुआ है, जिसमें मैंने विंडो भी दिया वेंटिलेशन के लिए। उसके जस्ट बगल में लेट एंड बाथ, जो हमारे कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी उसको फिल करते हुए मैंने ये पूरा मकान, थ्री बेडरूम, कार पार्किंग, लेट बाथ, स्टेयर्स और साथ साथ आपका किचन और ग्रीन एरिया को कवर करते हुए इसको पूरा मैंने बनाया। मैं और मैक्सिमम जूम करता हूँ जिससे आपका पिलर का डिज़ाइन आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाए, पिलर कैसा बना हुआ है ये भी आप समझ सकें। अब बात करते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की। तो फर्स्ट फ्लोर पर जैसे आते हैं तो चारों तरफ 3.5 फीट का बाउंड्री वॉल आपको देखने को मिलता है, और इसके बाद फ्रंट का ग्रिल देखिएगा। ग्रिल का जो कॉम्बिनेशन है, जो मेन डोर वाला ग्रिल है, इसको मैंने लगभग आगे ज़्यादा थोड़ा सा बढ़ाया, और इधर ग्रीन एरिया वाले ग्रिल को थोड़ा सा ही आगे बढ़ाया।
ग्रिल बहुत ही नॉर्मल सा है, ये आपका ईटों का ग्रिल है, इसमें बीच में आपका इस रेक्टेंगुलर कट है, इसके बाद ये आपकी रेक्टेंगुलर शेप में रॉड है। आप स्टील की रेलिंग भी लगवा सकते हैं, आयरन की लगवा सकते हैं, जो आपका बजट आपको बोले उसके अकॉर्डिंग आप काम कराइएगा। तो ये पूरा फ्रंट एलिवेशन आपके सामने बनकर रेडी हो जाता है। ये गुमटी था दोस्तों जो आपको स्टेयर्स को ढकने के काम आएगा, इसमें मैंने ये छत भी बना रखी है। तो ये पूरा 20x50 फुट में ग्राउंड फ्लोर बनकर रेडी हो जाता है। तो जो हमारे कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी उसको फुलफिल करते हुए मकान पूरा आपको कैसा लगा मैं ज़रूर बताएं। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कर दें, साथ साथ स्मॉल हाउस प्लान पर अगर आप अभी तक जुड़े नहीं तो जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि स्मॉल हाउस प्लान आपको बेस्ट मॉडल प्रोवाइड करता है। साथ साथ अगर आप हमारी पेड सर्विस का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको हमारा डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, व्हाट्सअप नंबर है, आप हमें कॉन्टैक्ट करें, मैं आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हाउस क्रिएट करूँगा। आपको ध्यान ये देना है कि वहाँ पर आपको हमारा पेड सर्विस का यूज करना होगा, क्योंकि पेड सर्विस मैं वहाँ पर देता हूँ। आपको 50% पेमेंट एडवांस देना होता है, 50 बाद में देना होता है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते ही कॉन्टैक्ट करें, और इसके बाद जब बात हमसे हो जाए आपकी तभी आप पेमेंट करें। मैं और आपको एक नसीहत देना चाहूँगा कि बहुत से फ्रॉड लोग होते हैं, वो कमेंट सेक्शन में अपना नंबर छोड़ देते हैं, बोलते हैं आप हमें कॉन्टैक्ट करिएगा मैं आपको घर बनाकर दूंगा। तो उनसे बिल्कुल सावधान रहें, जो आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिले उसी पर कॉन्टैक्ट करिएगा, और एक बार पेमेंट करने से पहले हमसे बात जरूर करिएगा, तभी आप पेमेंट करिएगा। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।